किया, उस टाइम तुम कहां थी? उस टाइम तुम्हारे हाथ में जूता क्यों नहीं आए? शर्म थी, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पे। पांच साल की खैबर पख्तूनख्वा की दहशत गर्दी की एक रिपोर्ट है। साल 2009 में 135 हमले और धमाके हुए, 1019 लोग शहीद जाब हक हुए, जख्मी 2285 हुए। 2010 में 124 हमले और धमाके हुए, जाब हक 996 लोग हुए, 1425 शदीद जख्मी हुए। 2011 में 100 धमाके हुए, 634 जाने जाया हुई, 1052 लोग जो है वो जख्मी हुए। 2012 में 108 हमले धमाके खुदकश और दूसरी तरह के हुए, 460 जाने जाया हुई, 955 लोग जख्मी हुए। 2013 में अब तक 102 धमाके हुए, 818 उसमें जाने जाया हुई, 1420 लोग जख्मी हुए। जब ये कुछ पांच बरस में होता रहा तो आप इसका इल्जाम एक ऐसी हुकूमत पे जिसको अभी जुमा 8 दिन 3-4 महीने हुए हैं उसके ऊपर आप कैसे डाल रही हैं? कुछ इसमें ऐसा तो नहीं है कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन आपकी खत्म हो गई है, कुछ आप ज्यादती कर रही हैं? दो इश्यूज लोगों के जहनों में आते हैं, एक तो आप खातून हैं, पाकिस्तानी माशरे के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के माशरे में, पाकिस्तान बाकी से भी शायद बढ़ के औरत का एक खास मुकाम है, उसका एक स्टेटस है, और आपका आस्तीने चढ़ाकर हमला करना, और फिर दूसरा ये कि एक आपका सिख मेंबर, माइनॉरिटी मेंबर जो है, जबकि पाकिस्तान पे पहले ये इल्जाम है कि माइनॉरिटीज की कदर नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको इस तरह से ट्रीट करना, आपको आपकी पार्टी के लोगों ने क्या ये एडवाइस बाद में दी कि कुछ आपने ज्यादती कर दी है, आप ओवरबोर्ड हो गई है, कुछ आपको शर्मिंदगी है इस पर? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए शर्मिंदगी नहीं है कि ये जो लोग हैं जो इस वक्त ये औरत 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 औरत, जब मैं असेंबली में आती हूँ मैं अपनी जींस और मैं अपना जो एक औरत होना जो है वो मैं असेंबली के बाहर छोड़ के आती हूँ, मैं जब आपको शर्मिंदगी है इस पे? कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए शर्मिंदगी।